स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 2 को लेकर के, जो कि आपके विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित उप विषय इतिहास का है। और आज का हमारा प्रकरण है नदी घाटी की सभ्यताएं। इसके पिछले वीडियो में हमने इतिहास से ही आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर लेसन प्लान को लेकर के बात की है। तो अगर आप हिस्ट्री से लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं तो आप हमारे होम पेज पे जाकर के वहां से लेसन प्लान सर्च करेंगे हिस्ट्री का, तो आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पाठ योजना संख्या, जो कि आपके प्रकरण नदी घाटी की सभ्यताओं पर आधारित है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले आप यहां पर पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, उसके बाद दिनांक जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहां पर वो डेट मेंशन करिएगा। उसके बाद आप डालेंगे विषय, विषय है आपका सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। फिर अगली हेडिंग आएगा चक्र, चक्र यानी पीरियड आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, अदरवाइज जो जैसे चीजें मेंशन है आप ऐसे ही मेंशन करिएगा। कक्षा यानी क्लास की बात की जाए तो क्लासिक्स है आपकी। उपविषय इतिहास है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आपका हिस्ट्री सिविक्स इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी ये पार्ट आपके रहते हैं सामाजिक विज्ञान में, तो हमारा जो उपविषय है वो इतिहास है यानी हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आएगा अवधि यानी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपका 30 से 45 मिनट हो सकता है, क्योंकि कक्षाएं छोटी है तो आप 35 मिनट या 40 मिनट उससे ज्यादा मत रखिएगा। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रकरण, प्रकरण है आज का हमारा नदी घाटी की सभ्यताएं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकरण को लेकर के चलेंगे, देखेंगे हम सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए, ये आपके सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित होंगे, यानी आप उप विषय से संबंधित भी जानकारियां बच्चों को देंगे, जो कि आपकी, क्योंकि आपका उप विषय इतिहास है तो आप इतिहास से ही संबंधित जानकारियां देंगे। अगर उप विषय आपका भूगोल या अर्थशास्त्र होता तो उससे संबंधित आप बच्चों को सामान्य जानकारियां देते। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे इतिहास के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना, दूसरा पॉइंट है मानसिक शक्तियों का विकास करना, तीसरा पॉइंट है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का ज्ञान विकसित करना, चौथा पॉइंट है अतीत के आधार पर वर्तमान को स्पष्ट करना, पांचवा पॉइंट है छात्रों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। तो सामान्य उद्देश्य आप 1 से 5 भी लिख सकते हैं, आप 1 से 3 भी लिख सकते हैं, 3 से कम मत करिएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए तो ये आपके प्रकरण, प्रकरण है आज का हमारा नदी घाटी की सभ्यताएं, तो उससे संबंधित आप विशिष्ट जानकारियां बच्चों को देंगे। ठीक है, इसमें आप डालेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी आप ज्ञान कराएंगे बच्चों को। पहला पॉइंट है छात्र छात्राएं नदी घाटी सभ्यता के बारे में जान सकेंगे, दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राएं हड़प्पा संस्कृति व सिंधु घाटी की सभ्यता को जान सकेंगे। तो ये था ज्ञानात्मक उद्देश्य। अगर आप लेसन प्लान छोटा बनाना चाहते हैं या कम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे 2 हेडिंग पड़ी है यानी 2 आपके पॉइंट दिए हैं, तो आप 2 में से 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला हम देखेंगे बोधात्मक उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं नदी घाटी सभ्यता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, आगे देखेंगे हम। फिर बोधात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राएं विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, फिर तीसरे हेडिंग आएगी आपके अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राएं विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की जानकारी से स्वयं की सभ्यता व संस्कृति का उचित विकास कर पाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट है आपका विशेष रूप से नदियों के किनारे पाई गई सभ्यता को जान सकेंगे। तो ये था अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। यहाँ पर आपके जो विशिष्ट उद्देश्य थे उनमें आपका ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक के 3 आपकी हेडिंग थी, इनके अंतर्गत आपको 2-2 देखने को मिला है। आप चाहें तो 1-1 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके प्रकरण से ही रिलेटेड होंगे। फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री यानी जिसे आप शिक्षण अधिगम सामग्री या TLM कहते हैं। इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करते हैं, जैसे आपने लपेट श्यामपट का यूज किया, सांकेतक का यूज किया, चार्ट पेपर यूज किया, कोई चित्र हो गया, कोई मॉडल हो गया, ठीक है, कोई वस्तु हो गई, तो आप जो भी चीजें सहायक सामग्री में इस्तेमाल करेंगे टॉपिक को पढ़ाते समय तो आप इसमें लिखेंगे। फिर आगे हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी आपका प्रीवियस नॉलेज। छात्रों को या छात्राओं को पहले से क्या कुछ पता है प्रकरण से रिलेटेड, इसमें आप लिखेंगे छात्र छात्राओं को नदी घाटी सभ्यता के विषय में सामान्य जानकारी है। ठीक है, फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए, पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्रों से निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। इसके लिए आप 3 कॉलम बना सकते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र संभावित अनुक्रिया। इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे बच्चों से, पंजाब प्रांत में बहने वाली नदियों के नाम बताइए। बच्चों ने बताया सिंध, सतलज,
फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पाई गई? बच्चों ने बताया सिंधु नदी की घाटी, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो पाई गई। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ छात्र जो है या छात्राएं निरुत्तर हो गई, क्योंकि उन्हें इसका उत्तर नहीं पता, यहाँ से उनका समस्यात्मक प्रश्न आ गया। ठीक है, हमने कहा था जब समस्यात्मक प्रश्न आएगा तभी आपका उद्देश्य कथन बनेगा। फिर उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग नदी घाटी की सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो ऐसा आप उद्देश्य कथन डालेंगे। फिर आगे हम देखेंगे प्रस्तुतीकरण प्रश्न। तो प्रस्तुतीकरण प्रश्नों की बात की जाए तो इसमें आप पूरे टॉपिक को लेकर के चलते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे, उसके बाद स्पष्टीकरण के माध्यम से आप पूरे टॉपिक को समझाएंगे। इसके लिए आप 6 कॉलम बनाएंगे, पहला क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षणविद या प्रविधि श्याम पटकार। तो इस तरह आप 6 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे टॉपिक को लेकर या बताने से पहले। ठीक है, इसमें आपने पहला प्रश्न किया, नदी घाटी की सभ्यता का विकास अधिकतर कहाँ हुआ? बच्चों ने बताया नदियों के किनारे जो है नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ पर प्रश्नोत्तर चल रहा है, आप प्रश्न कर रहे हैं, छात्राएं उत्तर दे रही हैं या छात्र उत्तर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शिक्षण विधि में आप प्रश्नोत्तर विधि डालेंगे। दूसरा प्रश्न फिर आपने किया, नदी घाटी सभ्यताओं के नाम बताइए। बच्चों ने बताया हड़प्पा सभ्यता व सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर आपने नदी घाटी सभ्यता का पूरा परिचय दिया। ठीक है, क्योंकि प्रस्तुतीकरण प्रश्न में अगर बच्चे उत्तर देते जा रहे हैं तब भी आप चीजों को लेकर के चलेंगे। नदी घाटी सभ्यता का पूरा परिचय देंगे, आप देख लीजिए आपको क्या कुछ लिखना है। चलते हैं हम आगे और देखते हैं अगले पन्ने पे आप क्या कुछ लिखेंगे। फिर आप वही विकासात्मक प्रश्न करेंगे, किस प्रांत में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई? बच्चों ने बताया पंजाब प्रांत में। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, 1921 में भारत में किसका राज था? बच्चों ने बताया अंग्रेजों का राज था। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, हड़प्पा संस्कृति में जो नगर पाए गए वो किस प्रकार के बने थे? तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो गए, समस्यात्मक प्रश्न आ गया। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे, फिर आप स्पष्टीकरण के माध्यम से पूरे जो भी आपने प्रश्न किया उसको समझाएंगे हड़प्पा के बारे में। ठीक है, छात्र क्रिया में छात्र जो है इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर आपने पाठ से संबंधित व्याख्या दी या स्पष्टीकरण बताया, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। तो आप स्पष्टीकरण के माध्यम से हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताएंगे। आप स्पष्टीकरण जो है इसे पढ़िए आराम से, वीडियो पॉज करके आप इसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं अगर आपको ये चीजें ज्यादा लग रही हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं क्योंकि फाइल आप देख रहे हैं चेक है, ये कॉलेजेस की फाइल है, कॉलेज में जैसा कराया गया, टीचर ने जैसे बताया वैसे बच्चों ने किया है, तो आप ऐसे ही फाइल वर्क बनाएंगे। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है थ्योरिकल वर्क, क्योंकि ये लेसन प्लान है, तो आप पॉइंट वाइज पढ़ के चीजों को लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। आगे हम देखेंगे फिर विकासात्मक प्रश्न। इसमें आप लिखेंगे, अधिकतर नदी घाटी की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? बच्चों ने बताया नदियों के किनारे। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, किस प्रांत में खुदाई में एक गांव भी मिला? छात्र निरुत्तर हो गए, उन्हें इसका उत्तर नहीं पता। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे, सिंधु सभ्यता का पूरा परिचय बताएंगे। क्योंकि आपका हिस्ट्री का लेसन प्लान है, तो जो भी आपने चीजों को पढ़ाया है आप थोड़ी बहुत इसमें से बताएंगे इस लेसन प्लान की कॉपी में, तो आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़िएगा। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का परिचय लिखेंगे आप। उसके बाद हम देखेंगे स्पष्टीकरण, तो आप सिंधु सभ्यता का परिचय देने के बाद स्पष्टीकरण देंगे। छात्र क्रिया में छात्र जो है इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर आपने पाठ से संबंधित स्पष्टीकरण दिया या व्याख्या की, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। तो स्पष्टीकरण में आप पॉइंट के माध्यम से भी चीजों को लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आप क्या कुछ लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो स्पष्टीकरण था वो कम्प्लीट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ तक स्पष्टीकरण देंगे और प्रस्तुतीकरण प्रश्नों को लिखेंगे। क्योंकि कई सारे दोस्तों ने कहा है कि लेसन प्लान का कोई और फॉर्मेट नहीं है, तो आप कैसे फॉर्मेट बनाएंगे? अगर हेडिंग वाइज करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, फॉर्मेट आपका ऐसे ही बनता है। ठीक है, फॉर्मेट कुछ अलग नहीं बनाएंगे। यहाँ पर जो आपका, आप ये देख सकते हैं अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, सहायक सामग्री, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने होम साइंस के लेसन प्लान में थोड़ा चेंज करके बताया है, तो आप उन चीजों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मेट ऐसे ही बनाएंगे कि फॉर्मेट लेसन प्लान का आपका ऐसे ही बनता है। फिर आगे हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा
बोधात्मक प्रश्न आएगा, यानी आपका प्रस्तुतिकरण प्रश्न यहाँ पर खत्म हो गया। अब हमारा आएगा बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्नों की बात की जाए तो आपने जो भी प्रस्तुतिकरण प्रश्नों में चीजों को बताया टॉपिक को, तो उससे रिलेटेड आप बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे या करवाएंगे। इसमें आपने पहला प्रश्न दिया मोहन जोदड़ो का क्या मतलब है, दूसरा है सिंधु घाटी के शहरों की इमारतें कैसी थी, तीसरा प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी के किनारे पाई गई, चौथा है शहर की इमारतें किस प्रकार की ईंट की बनी हुई थी। तो इस तरह आप बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे। आगे हम देखेंगे श्यामपट्टकार, फिर आप हेडिंग डालेंगे श्यामपट्टकार यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके चीजें मेंशन करेंगे, जैसे आप फर्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है, दिनांक डालेंगे, कक्षा डालेंगे, विषय उपविषय चक्र अवधि प्रकरण। इस तरह यहाँ पर देखिए तीन प्रश्न दिए हैं, आप कम करने के लिए दो या एक भी प्रश्न दे सकते हैं, क्योंकि ये लेसन प्लान की कॉपी है तो आप इसमें ब्लैक बोर्ड वर्क दिखाएंगे, इसके लिए आप एक प्रश्न दीजिए या दो से ज्यादा मत दीजिए, काफी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह श्यामपट्टकार के लिए आप ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ेंगे, प्रश्न एक दिया है, दो दिया है, तीन दिया है, इसमें आप पढ़ के अपने हिसाब से एक या दो या तीनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे वीडियो पॉज करके लिखेंगे। आगे हम देखेंगे निरीक्षण कार्य, तो निरीक्षण कार्यों की बात की जाए, इसमें आप क्लास का ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब जब बच्चे ब्लैक बोर्ड वर्क ऐसे ही आप जो देंगे बच्चे उतारेंगे तो तभी आप निरीक्षण करेंगे बच्चों का। इसमें आप लिखेंगे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक ने अपने द्वारा कराए गए श्यामपट्टकार का निरीक्षण किया तथा सभी छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण किया। तो ये हो गया निरीक्षण कार्य जिसे आप स्वयं करेंगे। फिर हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न या जिसे आप अभ्यास कार्य या रिविजन वर्क कहते हैं। इसमें आप पूरे टॉपिक का रिविजन करवाएंगे, उससे रिलेटेड आप प्रश्न देंगे। जैसे आपने पहला प्रश्न दिया सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी के किनारे पाई गई, दूसरा प्रश्न आगे देखेंगे, फिर दूसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रांत में हुई, तीसरा प्रश्न है सिंधु घाटी के शहरों की इमारतें किस प्रकार की ईंटों से बनी थी, चौथा है सिंधु सभ्यता के शहरों में सड़कें व नालियां किस प्रकार से बनी थी। तो दोस्तों यहां पर बात हो गई पुनरावृत्ति या अभ्यास कार्य को लेकर के, जिसे आप बच्चों को क्लास में करवाएंगे। फिर आगे हम देखेंगे गृह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कोई भी प्रश्न दे सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया है कक्षा में कराए गए प्रश्नोत्तर यानी जो भी श्याम पट पर लिखाए गए हैं उसे याद करके आना है। तो इस तरह आप बच्चों को घर से करने के लिए देंगे और बच्चे इसे घर से करके लाएंगे। आप गृह कार्य में सही गलत, बहुविकल्पी प्रश्न, कोई दो तीन दो प्रश्नोत्तर दे सकते हैं, टिप्पणी लिखने को दे सकते हैं, मिलान करने को, ठीक है। तो ये भी आप गृह कार्य में अपने मन से भी बना के क्वेश्चन दे सकते हैं। लास्ट में आप अपने सब्जेक्टिव टीचर से साइन करा करके फाइल पूरी चेक कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पाठ योजना संख्या 2 जो है वो कम्प्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 3 को लेकर के, जो कि आपका इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास उपविषय है और प्रकरण है हमारा वैदिक सभ्यता कक्षा 6 है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट द्वारा अपने जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।